Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is day 2 of 100 days of machine learning. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about a very important topic, AI versus ML versus DL. Okay? So मैंने हमेशा notice किया है जब भी कोई beginners इस field में घुसते हैं, this is the first curiosity they have. They ping me, they ask कि what is the difference? AI क्या होता है, machine learning क्या होता है और DL क्या होता है? And if you Google AI versus ML versus DL, then mostly you will get this picture where you would see कि तीन circles बने हुए हैं और सबसे outer circle जो है वो AI को represent करता है और उसके अंदर ML वाला circle होता है और उसके अंदर DL वाला circle होता है, right? अब देख करके समझ में आ रहा है कि सबसे जो outer set है, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो AI है और AI के अंदर एक subset is machine learning and machine learning का एक subset is deep learning, which is actually correct. But what I want is, I want to give you a very good intuition कि ऐसा क्यों है, ठीक है? So let's discuss that. Let's first discuss about AI. AI stands for artificial intelligence. या फिर यू बोल सकते हैं कि machines में intelligence किसी तरीके से डालना, right? और ये idea बहुत दिनों से है, probably 100 सालों से है हम human beings के दिमाग में कि what if machines को intelligent बना पाए जैसे हम हैं, right? अब if you think carefully, what is intelligence, right? हम human beings बाकी के biological species से better हैं, advanced हैं, evolved हैं because of our intelligence, right? But what exactly is intelligence? So intelligence के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ाई करो, research करो, तो you would understand it's a complex thing and it is made up of multiple things, right? So there is pattern recognition जो हम day to day level पे use करते हैं, coding हो गया या फिर puzzle solve करना हो गया, इस तरह की चीजें, IQ जो आप बोल सकते हो. It also includes creativity and imagination. It also includes emotional intelligence, right? तो जो हमारा intelligence है, it's a very complex thing, जिसमें बहुत सारी और चीजें हैं, right? But अगर आप AI का बात करो, तो इस point पे हम human beings जो AI pursue कर रहे हैं, वो एक subset है actual intelligence का. हम try तो कर रहे हैं, एक general intelligence बना पाएं, जो बिल्कुल हमारी तरह behave करे, but it's actually very difficult. So what we people are trying to do, we are trying to go a specific path, and that is pattern recognition. So most of the AI stuff that you will see around, that is mostly related to pattern recognition. We cannot go for creativity and imagination at this point or emotional intelligence at this point because that is hard to quantify. हमें पता नहीं है कि सही results क्या है. अभी हमें खुद नहीं पता कि प्यार का equation क्या होता है या फिर creativity को आप कैसे measure करते हो, right? So हमारे लिए जो measurable है, जो quantifiable है, that is pattern recognition. और इसीलिए इस पॉइंट पे जो भी एआई में आप देखोगे, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है? अब लेट्स टॉक अबाउट एआई. अभी तक जितना भी काम हुआ है उसके बारे में एक बार बात करते हैं. सो 50s अराउंड ये आइडिया फ्लोट करने लग गया था. उस टाइम पे एलन ट्यूरिंग एंड ऑल दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मशीन्स में इंटेलिजेंस डाला जा सकता है या नहीं. एंड उस पॉइंट पे ही कुछ इस तरह के सिस्टम्स बनने लग गए थे जो इंटेलिजेंट थे. इनफैक्ट उस टाइम पे एक नया वेव आया था इंटेलिजेंस का, एआई का, जिसको हम सिंबॉलिक एआई बोलते हैं. जहां पे क्या किया जाता है, सिंबॉलिक एआई में आप क्या करते हो, आप बहुत बड़ा एक नॉलेज सिस्टम बिल्ड करते हो यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस. बेसिकली हर कंडीशन के लिए आप एक लॉजिक लिख के रख देते हो, राइट? और उसी सिंबॉलिक एआई से फिर बनने लगे थे एक्सपर्ट सिस्टम्स. जैसे कि आपने अगर कभी बचपन में चेस खेला होगा किसी कंप्यूटर के अगेंस्ट, तो दैट वॉज एक्चुअली एन एक्सपर्ट सिस्टम, जहां पर एक एक्सपर्ट को बिठा करके उससे सारा नॉलेज निकाल करके एक कोड में कन्वर्ट किया गया और उस कोड के अगेंस्ट फिर हम चेस खेलते हैं, राइट? अब एक्सपर्ट सिस्टम्स में क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम्स में एक नॉलेज बेस होता है जो किसी एक्सपर्ट से हम लेते हैं और फिर एक इन्फ्लुएंस इंजन होता है, एक प्रोग्राम जो उस नॉलेज बेस से डिसीजन मेकिंग करता है, राइट? तो 80s में सबको लगने लगा था कि एक्सपर्ट सिस्टम्स ही AI का फ्यूचर है और AI और एक्सपर्ट सिस्टम्स वर सिनोनिमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट लेटर पीपल रियलाइज्ड कि एक्सपर्ट सिस्टम्स में कुछ फ्लॉज है. वो फ्लॉज क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स बहुत ही क्लोज्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, मतलब बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे चेस खेलना है या फिर आई डोंट नो लंग डिटेक्शन करना है, मतलब मेडिकल पर्पजेस के लिए. बट अगर आप उसको थोड़ा भी ऐसा प्रॉब्लम दो जो थोड़ा फजी है, जिसका लॉजिक थोड़ा फजी है, फजी लॉजिक बोलते हैं जिसको, जैसे कि आई डोंट नो एक इमेज के अंदर एक डॉग है, एक कुत्ता है, उसको डिटेक्ट करना है. नाउ दिस इज फजी लॉजिक बिकॉज देर आर सो मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स और सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं. तो अगर आप इफ एल्स लिखने बैठोगे तो यू कैन नॉट राइट ऑल द कंडीशंस सो एज टू बिल्ड एन एक्सपर्ट सिस्टम विच कैन एक्चुअली क्लासीफाई डॉग्स इन अ गिवन इमेज, राइट? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जहां पे फजी लॉजिक था,
इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे और एरियाज थे जहां पर ये जो सिम्बॉलिक एआई वाला लॉजिक था ये एप्लीकेबल नहीं था, एंड दैट इज वाई एक्सपर्ट सिस्टम्स फिर पीछे रह गए, और फिर आया मशीन लर्निंग जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मशीन लर्निंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमएल। एमएल कहाँ पे फिट होता है? तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा वहां पे मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग का डेफिनेशन। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर यू यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू फाइंड पैटर्न इन योर डेटा, या फिर इफेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि डेटा में जो पैटर्न्स हैं उसको लर्न करने का जो टेक्निक है उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है मशीन लर्निंग और सिम्बॉलिक एआई में जो पहले यूज होता था वो ये है कि मशीन लर्निंग में कभी भी आप एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करते। एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब होता है रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, हर चीज के लिए आप एक लॉजिक लिख रहे हो, राइट? आप वहां पे मशीन लर्निंग में ये नहीं करते। इंस्टेड व्हाट यू डू इज आपके पास एक डेटा होता है, डेटा में इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, और वो डेटा आप अपने सिस्टम को फीड कराते हो, और आपके सिस्टम का काम है रूल्स या पैटर्न्स निकालना, मैथमेटिकल पैटर्न्स निकालना, सो दैट जब नया इनपुट आपको मिले, नाउ दैट यू नो द रूल्स, आप नया आउटपुट या प्रिडिक्शन बता पाओ। ठीक है, अब क्यों ये अप्रोच बेटर है सिम्बॉलिक एआई से, ये समझना बहुत ईजी है। कहां पे फेल कर रहा था सिम्बॉलिक एआई? फजी लॉजिक में, फजी लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि एक इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जहां पे आपको डॉग्स को क्लासिफाई करना है। अब यहां पे यू कैन नॉट राइट रूल्स कि आप हर डॉग ब्रीड को आइडेंटिफाई करवा पाओ, राइट? बट मशीन लर्निंग में आपको रूल्स लिखने ही नहीं है, रूल्स आपका सिस्टम जनरेट करेगा, आपको बस क्या करना है, आपको सही डेटा देना है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रोवाइड माई सिस्टम विद अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट डॉग ब्रीड्स, राइट? मैं बहुत सारे फोटोज दिखाऊंगा, मैं बता दूंगा ये डॉग है, इसमें डॉग नहीं है, इसमें डॉग है, इसमें डॉग नहीं है। नाउ व्हाट द सिस्टम विल डू इज इट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू फाइंड अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इसी को लर्निंग बोलते हैं, ये जो पैटर्न लर्न करने का ट्राई कर रहा है, रिकॉग्नाइज करने का ट्राई कर रहा है, इसी को लर्निंग बोलते हैं। और अगर आप उसको बहुत सारे फोटोज दिखा दोगे, इवेंचुअली इट विल बी रेडी टू क्लासीफाई whether a given image has a dog in it or not, right? So that is the main idea. छोटा सा ही idea है, idea बस ये है कि rules क्यों लिखने, instead data दिखाओ और आपका system automatically समझने लग जाएगा कि किसको dog बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं। In a way हम भी ऐसे ही काम करते हैं, बचपन में हमें भी दिखाया जाता है कि ये देखो ये dog है ये नहीं है, right? And that is how we learn. तो in a way थोड़ा बहुत वो learning is inspired from our own evolution, intelligence का, right? तो this was machine learning. And guess what, ये छोटा सा आइडिया कि rather than writing rules for everything, you can just provide data and rules will be generated automatically. This has changed the industry. पिछले 30 सालों में, 90s में machine learning आया होगा, अभी 2020 चल रहा है, it has been just 30 years. And this thing has been revolutionary, especially पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, जब data बहुत ज़्यादा available है, hardware बहुत अच्छा available है, तो मशीन लर्निंग को एकदम लाइक पर लग गए एंड इट्स फ्लाइंग हाई, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं, इनफैक्ट पहले बोला जाता था कि मशीन लर्निंग इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट प्योरली स्टैटिस्टिक्स। यस, स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स हम यूज कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत बहुत लिमिट में ही मैथमेटिक्स है, इट्स हाईली प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग बेस्ड है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स से इंस्पायर्ड है बट एग्जैक्टली डिराइव नहीं है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग आई गेस आपको समझ में आ गया। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि वॉट इज डीप लर्निंग? अगर मशीन लर्निंग सब कुछ अच्छे से कर पा रहा था तो डीप लर्निंग की जरूरत क्यों है, राइट? लेट्स डिस्कस दैट। सो लेट्स डू द डिस्कशन अबाउट डीप लर्निंग इन टू पार्ट्स। पहले लेट्स डिस्कस वॉट इज डीप लर्निंग एंड देन लेट्स डिस्कस कि क्यों जरूरत है डीप लर्निंग का। ठीक है, सो डीप लर्निंग इज वेरी रिसेंट, लाइक ऑल्दो उसके ऊपर काम बहुत पहले से चल रहा था, बट 2012 के बाद ही वो पीक आया है डीप लर्निंग के ग्राफ में, जो अब हम सुन रहे हैं इतना डीप लर्निंग के बारे में। ठीक है, सो डीप लर्निंग इज बेसिकली अ क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मशीन लर्निंग, इट इज नॉट डिफरेंट। मतलब कभी भी अपने दिमाग में ये परसेप्शन मत रखना कि ओ डीप लर्निंग कुछ और है, सेम प्रोसीजर्स सेम प्रोसेस फ्लो आप यूज करते हो डीप लर्निंग में जैसा आप मशीन लर्निंग में करते हो। वही डेटा देना, एल्गोरिथम को ट्रेन करना और ट्रेनिंग के टाइम एरर को रिड्यूस करना, और इवेंचुअली आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है, फिर आप नया डेटा देते हो, आप उसके ऊपर प्रिडिक्शन करते हो। एग्जैक्ट सेम फ्लो मशीन लर्निंग में होता है, एग्जैक्ट सेम फ्लो डीप लर्निंग में होता है। तो डीप लर्निंग इज एसेंशियली मशीन लर्निंग, इट्स जस्ट कि यहाँ पे जो आप एल्गोरिथम्स यूज करते हो वो थोड़े डिफरेंट है, एंड इन अ वे कह सकते हो कि वो बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है, हमारे बायोलॉजी से, न्यूरॉन्स इंस्पायर्ड है। आई वुड नॉट से कि कंप्लीटली हमारे दिमाग की तरह काम करता है डीप लर्निंग, ये गलत परसेप्शन है। डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड बाय आर बायोलॉजी, बट
हम ये नहीं बोल सकते कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे हमारा दिमाग काम करता है. टू बी ऑनेस्ट, अभी हमें समझ नहीं है हमारा दिमाग कैसे काम करता है. डीप लर्निंग इज अ मैथमेटिकल मॉडल, मैथ्स बेस्ड ही है. इट्स जस्ट कि उसका जो कोर जो यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन पे बेस्ड है. तो दैट इज वाई देर इज दिस बायोलॉजिकल कनेक्शन. अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि दिमाग जैसे काम करता है वैसे डीप लर्निंग काम करता है, ऐसा नहीं. ठीक है, सो दैट इज अबाउट डीप लर्निंग. सो डीप लर्निंग का यूज क्यों आया या क्यों आज के डेट में डीप लर्निंग इतना फेमस है, इतना बज वर्ड बना हुआ इंडस्ट्री का, उसका रीजन ये है, देर आर सर्टेन थिंग्स जो मशीन लर्निंग नहीं कर पाता, या आप ऐसे बोल सकते हो उतना अच्छा नहीं कर पाता, एंड दैट इज वेयर डीप लर्निंग शाइन्स. ठीक है, लेट मी टेल यू वेयर. सो मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मशीन लर्निंग में यू हैव टू प्रोवाइड फीचर्स. जो इनपुट आप देते हो ना, तो इनपुट में क्या होगा ये आपको बताना पड़ता है. लाइक अगर आपको डॉग्स और कैट्स के बीच में क्लासिफाई करना है एक इमेज के अंदर कि इसमें डॉग है इसमें कैट है, अगर आपको ये क्लासिफिकेशन करना है, तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई द फीचर्स जो डॉग्स के हैं एंड यू विल हैव टू स्पेसिफाई द फीचर्स जो कैट के हैं. कान पॉइंटेड है, इट हैज टू बी अ डॉग. ठीक है, मूछें हैं, इट हैज टू बी अ कैट. ठीक है, पूंछ बहुत घुमी हुई है, इट हैज टू बी अ डॉग. ठीक है, इस तरीके से आपको फीचर्स डिफाइन करने पड़ेंगे अगर आप मशीन लर्निंग के स्पेस में है, राइट. बट इफ यू आर इन डीप लर्निंग का स्पेस, डीप लर्निंग में क्या होता है कि ये फीचर्स ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम खुद से बना लेता है या डिटेक्ट कर लेता है, यू डोंट हैव टू क्रिएट देम, राइट. और अगर आप फजी लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स में काम कर रहे हो जहां पर यू एक्चुअली डोंट नो कि क्या फीचर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां पर डीप लर्निंग बहुत काम आ सकता है. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. जैसे हम लोग एक सिस्टम बनाने का ट्राई कर रहे थे हमारे स्टार्टअप में कि रेज्यूमे देख करके हम डिसाइड करेंगे कि प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरह का हम एक सिस्टम बनाने का ट्राई कर रहे थे. अब यहाँ पर अगर आप मशीन लर्निंग में काम करोगे तो यू विल हैव टू क्रिएट फीचर्स जो आप मशीन लर्निंग मॉडल को दोगे. अब वो फीचर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और आप तब क्रिएट कर पाओगे जब आपको उस डेटा के बारे में नॉलेज हो, राइट. जिसको खूब पता हो, प्रोबेबली कोई बंदा जो टीएमपी सेल में काम करता है उसको सब कुछ पता होगा कि अगर इसके पास 2 से ज्यादा सर्टिफिकेशंस है तो प्लेसमेंट होने का चांस है, अगर 90 से 95% के बीच में परसेंटेज है तो प्लेसमेंट होने का चांस है, अगर बैकलॉग्स हैं तो प्लेसमेंट होने का चांस नहीं. ये सारे के सारे इंडिविजुअल फीचर्स हैं, राइट. बट अगर आप डीप लर्निंग के स्पेस में काम कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड रॉ टेक्स्ट और वो फीचर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा. तो दैट इज वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट द फीचर्स. वॉट डीप लर्निंग विल डू इज इट विल ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट दोज फीचर्स. आपको मशीन लर्निंग में वो फीचर्स बना के देने पड़ते हैं और वो डिफिकल्ट काम है समझ पाना कि कौन से फीचर्स ज्यादा सही होंगे. ठीक है, सेकेंड, डीप लर्निंग में आप जैसे जैसे नए नए लेयर्स ऐड करते जाते हो न्यूरॉन्स के, उतना आपका जो क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन जो भी आप टास्क कर रहे हो वो उतना अच्छा होते जाता है. या ऐसे बोला जाए कि जैसे जैसे आप लेयर्स ऐड करते हो न्यूरॉन्स के, वैसे वैसे उस सिस्टम का एफिशिएंसी या फिर प्रिडिक्शन करने का जो पावर है वो इम्प्रूव करता जाता है, क्योंकि हर लेयर के साथ आप और डीपर आपके डेटा में क्या छुपा हुआ है ये आप निकाल पाते हो. अगर आप ये इमेज देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेजुअली अगर हम कुछ जैसे हम एक डिजिट क्लासिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं तो पहला लेयर आपको एजेस बताएगा, दूसरा लेयर आपके बिट्स एंड पीसेस में डिजिट्स को जोड़ेगा और उसका अगला वाला उन डिजिट्स को जोड़ करके बताएगा कि ये डिजिट कौन सा है, राइट. तो दैट इज हाउ डीप लर्निंग वर्क्स. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से मशीन लर्निंग जहां पे उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था वहां पे डीप लर्निंग को यूज किया गया एंड डीप लर्निंग गेव गुड रिजल्ट्स. द सेकंड रीजन इज कि डीप लर्निंग इज समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ द एल्गोरिथम्स. कि डीप लर्निंग को आप जितना ज्यादा डेटा देते हो उतना उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करता जाता है, राइट. आप अगर ये ग्राफ देखो तो इससे आपको समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग मॉडल्स एक पॉइंट तक उनका एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा डेटा के बढ़ाने पे, बट उसके बाद वो स्टेबलाइज कर जाता है. मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के केस में ऐसा नहीं है. अगर आप और ज्यादा डेटा देते जाओ तो आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता चला जाएगा. ठीक है, तो ये 2-3 रीजंस की वजह से डीप लर्निंग हैज फाउंड अ स्पेस वेयर इट इज यूज्ड लाइक अ लॉट, लाइक इमेज क्लासिफिकेशन टास्क, बेसिकली इमेज रिलेटेड टास्क, टेक्स्ट रिलेटेड टास्क, GANs, ये भी कुछ एप्लीकेशन हैं डीप लर्निंग के जो मशीन लर्निंग से बेटर है जहां पे डीप लर्निंग. ठीक है, बट फिर आप पूछ सकते हो कि फिर मशीन लर्निंग क्यों यूज करना अगर डीप लर्निंग इज सो बेटर. द आंसर इज कि जहां पे आपको सुई का जरूरत है वहां पे आप तलवार यूज नहीं करोगे, राइट. सो डीप लर्निंग इज तलवार, इट्स अ पावरफुल थिंग, इट्स अ पावरफुल टेक्नोलॉजी, बट आप हर जगह पे उसको यूज नहीं करोगे. कुछ चीजों में मशीन लर्निंग सच में बेटर है.
बड़े डेटा के ऊपर डीप लर्निंग आप यूज करते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट छोटा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यू विल नॉट यूज डीप लर्निंग, बिकॉज उससे बेटर रिजल्ट्स कम डेटा पे मशीन लर्निंग आपको दे देगा। एंड गेस व्हाट, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा इज स्मॉल डेटा। बड़ा डेटा तो बस आप सिंस फेसबुक व्हाट्सएप ये सब आप यूज करते हो इसलिए आपको लगता है कि अरे डेटा तो सभी के पास बड़ा ही है, बट ऐसा नहीं है। आप कभी भी इंडस्ट्री में जाके काम करोगे तो ये जो बैंकिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स कंपनीज, इनके पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं रहता, तो इस तरह के सिनेरियोज में मशीन लर्निंग आज भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो दैट इज द कंप्लीट हायरार्की। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, सबसे बड़ा जो टर्म हुआ वो है एआई। हम सब पीछे पड़े हैं इस चीज के कि हमें एआई बनाना है। अब एआई बनाने का अभी सबसे एफिशिएंट सिस्टम इज मशीन लर्निंग, राइट? और मशीन लर्निंग में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका निकल के आया जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। और आज की डेट में डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों ही बहुत फेमस हैं। अब यू नेवर नो, जनरल एआई बनाने के लिए 10 साल बाद हो सकता है कुछ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स नया आ जाए, बट इफ एट दिस पॉइंट यू आर प्लानिंग टू लर्न टू बिल्ड एआईज, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज द राइट पाथ। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया गाइस। इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई ट्राई टू पुट अ न्यू वीडियो एवरी डे। दिस इज आर गोल, 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।